हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2010 में आए हुए क्वेश्चन की। आइए जान लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ए ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई वाई इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हमारे पास एक ट्रांसवर्स वेव है, उस ट्रांसवर्स वेव का जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो ये है, वाई इक्वल ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ की वह कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए वेव की वेलोसिटी इक्वल हो जाए मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के। मतलब वेवलेंथ की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए जो वेव की वेलोसिटी है वो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर हो जाए, उस वेवलेंथ की वैल्यू निकाल दी। मतलब आप समझो, पहले हमसे वो कह रहा है कि वेव की वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल हो जाए किसके, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वो भी मैक्सिमम वेलोसिटी के। ठीक है, पार्टिकल के मैक्सिमम वेलोसिटी के इक्वल हो जाए कौन, वेव की वेलोसिटी। अब आपको मालूम है कि वेव की वेलोसिटी का निकालने का फार्मूला जब हमको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखी हो तो टी का कोफिशिएंट कितना है ओमेगा, अपॉन एक्स का कोफिशिएंट कितना है के। ये तो होता है आपका वेव की वेलोसिटी का फार्मूला। अच्छा, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, आपने पढ़ रखा होगा ओमेगा ए के बराबर होती है। ये पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला होता है ओमेगा ए। ओमेगा ए से ओमेगा ए कट जाएगा, यहां क्या बचा, यहां एक का मल्टीप्लाई कर लो, यहां बचा वन अपॉन के इक्वल ए। अब आप बताइए इसको ऐसे लिख सकते हो, वन अपॉन के, ठीक है, इक्वल ए। अच्छा, वन अपॉन के, के की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लेमडा इक्वल ए। बताइए भाई यहां पर के क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन लेमडा इक्वल ए। 1 ऐसे रखो, डिवाइड को मल्टीप्लाई संख्या पर रख दो इक्वल ए, ये उधर ले जाओ तो लेमडा बराबर आ जाएगा 2 पाई ए। ये लेमडा की वैल्यू अगर होगी 2 पाई ए तो उसके लिए वेव की वेलोसिटी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी के बराबर होगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 2 पाई ए। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आया हुआ होगा नीट में क्वेश्चन। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।